हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग अब नया वीडियो देखेंगे टेस्ट सीरीज को लेकर के, और इस तरह से टेस्ट सीरीज में हर वीडियो में कम से कम 50 प्रश्न देखेंगे और प्रयास करेंगे कि कम से कम 1000 प्रश्न का वीडियो बनेगा और उसमें आपको नए नए प्रश्न मिलेंगे। और अगर प्रश्न में किसी प्रकार की कोई समस्या है, किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर के आपको आपत्ति है, तो कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए, उसका आपको सलूशन मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं टेस्ट सीरीज के प्रथम भाग को और देखते हैं हम यहाँ कौन कौन से प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का कौन सा उत्तर सही है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा प्रश्न है, और ऐसे क्रमवार हम लोग प्रश्नों को देखते जाएंगे। और जहाँ भी आपको समस्या आएगी, जिस प्रश्न को लेकर के आप लोगों को बताया आपत्ति है, उस आपत्ति को बताइएगा, उसका आपको निराकरण मिलेगा। आइए देखते हैं, हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2018 का आयोजन स्थल था। तो यहाँ विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल मॉरीशस था। इस प्रश्न का उत्तर मॉरीशस रहेगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की खोज किस वर्ष हुई? दोस्तों, कंप्यूटर की खोज 1933 ईस्वी को हुई। अगला प्रश्न है, ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस राजस्थानी शैली की विशेषता है? तो इसका विकल्प बीकानेर है, क्योंकि बीकानेर ऊँट की खाल के रेखांकन के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, राम द्वारा हिरण का शिकार करते हुए चित्र राजस्थान की किस शैली में चित्रित हुआ है? तो यह चित्र कोटा शैली में बना हुआ है। अगला प्रश्न है, गोयनका की हवेली में कृष्ण की 8 गोपिकाएं एक हाथी के रूप में सुंदर भित्ति चित्र मिलता है। तो इसका विकल्प है शेखावटी शैली। अगला प्रश्न है, लाडली दास ने किशनगढ़ शैली में गीत गोविंद का चित्रण किसके समय में किया? तो इस प्रश्न का उत्तर है कल्याण सिंह। अगला प्रश्न है, अकबर ने श्री कलम की उपाधि किस चित्रकार को दिया? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है अब्दुल समद सिराजी। और अगला प्रश्न है, चारकुला प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये चारकुला लोक नृत्य ब्रजभूमि की है। अगला प्रश्न है, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो उदयगिरी की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। उदयगिरी की गुफाएं उड़ीसा से भी मिली हुई हैं और मध्य प्रदेश से मिली हुई हैं, लेकिन सबसे प्राचीन जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वो उड़ीसा से मिली हैं, और जहां वहां जैन धर्म से संबंधित गुफाएं मिली हुई हैं। तो अगर विकल्प जैन और हिंदू में से एक को चुनना होगा तो पहली वरीयता हम लोग जैन को देंगे, दूसरी वरीयता हिंदू को देंगे। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफा पूछता है तो वहाँ हिंदू धर्म को वरीयता देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन शैली को किस विद्वान ने अपभ्रंश शैली नाम दिया? तो डॉक्टर मोतीचंद ने अपभ्रंश शैली नाम दिया। अगला प्रश्न है, नागार्जुन यों बराबर की पहाड़ियों में बने गुहा आवास किस धर्म से संबंधित है? तो ये आजीवक संप्रदाय से संबंधित था, आजीवक संप्रदाय जिसके संस्थापक मखली गोसाल थे। और अगला प्रश्न है, चमड़े पर चित्रकारी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ये वेदों की बात हो रही है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, 72 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ये जैन ग्रंथों में 72 कलाओं का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार के चित्रों की प्रदर्शनी पिकासो के साथ लगी? तो इसमें इसका उत्तर सैलोज मुखर्जी रहेगा। हालांकि मकबूल फिदा हुसैन के चित्रों की प्रदर्शनी जो है लगी हुई थी पिकासो के साथ। अगला प्रश्न है, नील वासना के चित्रकार हैं
तो यहाँ इसका उत्तर अमृता शेरगिल है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुकरात था, तो सुकरात एक मूर्तिकार था, हालांकि दार्शनिक भी है लेकिन मूर्तिकार का एक पुत्र थे और वे भी मूर्तिकार थे। अगला प्रश्न है, लाज पुस्तक के लेखक थे, लाज पुस्तक प्लेटो ने लिखा है। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रथम चित्र जो भारतीय शैली में चित्रित है, इसका उत्तर होगा शुक्लाभिसारे, बी विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति जीवन स्मृति पर आधारित चित्र श्रृंखला है, तो इसका उत्तर गगनेंद्रनाथ ठाकुर है। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी का उत्कृष्ट चित्र दुर्गा पूजा यात्रा किस माध्यम में बनी, तो यह चित्र तैल रंग माध्यम में बना है। अगला प्रश्न है, यामिनी राय को किसने राष्ट्रवादी कलाकार कहा, राष्ट्रवादी कलाकार महात्मा गांधी ने कहा, इसका उत्तर महात्मा गांधी सही रहेगा। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी कला संगम स्थित है, तो त्रिवेणी कला संगम दिल्ली में स्थित है। और अगला प्रश्न है, के जी सुब्रमण्यम का बड़ा और प्रसिद्ध म्यूरल चित्र किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स की लंबाई और ऊंचाई कितनी है, तो इस चित्र की लंबाई जो है 81 फुट है और ऊंचाई 5 फीट है। अगला प्रश्न है, 13 ताली नृत्य का चित्रकार है, ये रामगोपाल विजय वर्गीज है, राजस्थान का एक लोक नृत्य है, 13 थाली या 13 ताली भी कहा जाता है। इसका चित्र रामगोपाल विजय वर्गीज के द्वारा बनाया गया था, जिसे राजस्थान चित्रकला का पिता भी कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, कुल्लू शैली का उत्कृष्ट भित्त चित्र त्रिपुरी सुंदरी देवी किस भित्त चित्रकार के द्वारा चित्रित है, तो इसे सजनू ने बनाया था। अगला प्रश्न है, सजनू नामक चित्रकार कहाँ का मूल निवासी था, तो सजनू मूल निवासी कांगड़ा का था। अगला प्रश्न है, हमीर हट पर आधारित 21 चित्र का संकलन सजनू ने किस शैली में किया, तो इसका उत्तर है मंडी शैली। अगला प्रश्न है, मौलाराम का जन्म हुआ था, तो मौलाराम 1740 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, आभूषणों में मणिकुट्टम तकनीक का प्रयोग इनके समय में हुआ, तो इसका उत्तर है सवाई माधव सिंह। अगला प्रश्न है, महलों और उसकी बुर्जियों पर फहराती हुई चित्र चित्रित की गई, तो इसका उत्तर है कांगड़ा शैली। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ ठाकुर के काव्य गीत विमान के लिए चित्रांकन किसने किया, तो इसका उत्तर है नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, जवाहर कला केंद्र के वास्तुकार कौन है, तो इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया हैं। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने चित्रित किया है यशोदा और बालक कृष्ण नामक चित्र, तो इस चित्र को चित्रित करने वाले शैलेंद्रनाथ डे हैं। और अगला प्रश्न है, आशुतोष संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये कोलकाता में बना हुआ है आशुतोष संग्रहालय। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी हैं, तो इसका उत्तर सतीश गुजराल है। और अगला क्वेश्चन है, भीलों का चितेरा नाम से प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा है, तो इसका उत्तर है गोवर्धन लाल जोशी। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना का मूर्ति शिल्प किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह मीरा मुखर्जी के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, अब्दुल गफ्फार खां का व्यक्तिचित्र किसने बनाया, तो इसे शंकु चौधरी ने बनाया था। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध संगमरमर के लिए जाना जाता है, तो ये करारी है जो इटली में स्थित है।
अगला प्रश्न है, मेरठ कांग्रेस अधिवेशन की जो पंडाल है उसकी साज सज्जा किसने की? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, मेरठ कांग्रेस पंडाल अधिवेशन की साज सज्जा इसे शंखो चौधरी ने किया था, बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन थी? दरअसल इस प्रश्न को लेकर के बड़ा विवाद है और यह माना जाता है कि प्रथम भारतीय महिला चित्रकार सुनैना देवी हैं और ये सुनैना देवी अवनींद्रनाथ टैगोर की बहन थी और कहीं कहीं अमृता शेरगिल को भी वरीयता दी जाती है। तो आप लोग जो है जहाँ संतुष्ट होंगे उसको सही कर लीजिएगा, लेकिन मेरे अनुसार इसका उत्तर सुनैना देवी रहेगा। अगला प्रश्न है, 2019 में लग रहे प्रयागराज में अर्धकुंभ की थीम क्या है? तो इसकी अर्धकुंभ की जो थीम थी तो समाप्त हो गया एक अर्धकुंभ, सर्वसिद्धा प्रदकुंभा। अगला प्रश्न है, रामकुमार कौन सा वाद्ययंत्र बजाने के शौकीन थे? तो रामकुमार वायलिन वाद्ययंत्र बजाने के शौकीन थे। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने तोता और चमेलियन नामक चित्र बनाया था? तो इसे बनाने वाले एनियस बेंद्रे थे, अर्थात नारायण श्रीधर बेंद्रे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लाल रंग के प्रकाश में कौन सी वस्तुएं काली प्रतीत होती हैं? तो इसका उत्तर है, हरे रंग की वस्तुएं काली प्रतीत होती हैं। अगला प्रश्न है, चंचल मुख आकृति किसके समान होती है? तो इसका उत्तर है, पान के पत्ते के समान। अगला प्रश्न है, सौर मंदिर कहाँ स्थित है? तो सौर मंदिर ये महाबलीपुरम में स्थित है। और 50वां प्रश्न देखेंगे कि मंदिर वास्तु में नागर, बेसर और द्रविड़ तीनों शैलियों का उल्लेख मिलता है। तो इसका उत्तर ए और बी दोनों रहेगा, मंसार में और ईशान शिव गुरुमुख पद्धति में। जिस तरह से 50 प्रश्न है और 50 प्रश्न के उत्तर हम लोग देखें और अगले वीडियो में हम लोग बाकी के प्रश्नों को देखते हैं। धन्यवाद।